हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं इस खूबसूरत से स्नेक प्लांट के बारे में बात करूँगी। स्नेक प्लांट की अलग अलग वैरायटीज पाई जाती हैं, और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसे सेंसिवीरिया बर्ड्स नेस्ट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए कितना खूबसूरत है, बिल्कुल एक फूल की तरह लगता है, मुझे बहुत ही पसंद है ये। इसमें ये देखिए मेरे चार पब्स भी निकले हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे पब्स निकले हैं। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये, इसकी कोई स्पेशल केयर नहीं करनी पड़ती है। इसकी सॉइल जब आप तैयार करेंगे तो आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट डालिएगा। सैंड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सकुलेंट है और सकुलेंट को वेल ड्रेनिंग सॉइल की ज़रूरत होती है। तो सॉइल को हमेशा आप गीली मत रखिएगा। ये देखिए मेरी जो ये गमले की मिट्टी है, आप देख सकते हैं कैसे कितनी ड्राई है। ये 3-4 दिन पहले मैंने इसमें पानी डाला था, तो मैं और कुछ दिन रुक जाऊंगी ताकि सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। आप भी जब सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो तभी आप इसमें पानी डालिएगा। इसकी मिट्टी हमेशा गीली रखेंगे तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी लाइट एंड लोकेशन की। तो इसको आप इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड कीजिएगा। मैंने इसको अपने वरंदा में रखा है और इसमें इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाती है, तो इसके लिए काफ़ी होता है। दोपहर की कड़ी धूप से आप इसको बचाइएगा, क्योंकि इससे प्लांट जो है इसके टिप्स, पत्तों की टिप्स ब्राउन हो जाएंगी और ये जो नेचुरल सा कलर आप देख रहे हैं वो नहीं रहेगा। तो इसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आपको इसको शेडी स्पॉट में रखना होगा। और एक बात बोलना चाहूँगी, जब हम बोलते हैं कि कम पानी डालिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप थोड़ी सी पानी इसमें डाल देंगे ताकि ऊपर की जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है और नीचे की मिट्टी जो है वो नीचे तक जो है इसकी रूट्स तक पानी ही नहीं पहुंचती है। वैसा नहीं करना है आपको। जब भी आप वाटरिंग कीजिए इस प्लांट को, तब अच्छे से वाटरिंग कीजिए ताकि ड्रेनेज होल के नीचे से पानी निकल जाए। फिर आप रुकिए कुछ दिनों तक, जब कम्प्लीटली सॉइल आपको ड्राई लगे तभी आप इसमें वाटरिंग कीजिए। तो ये एक थंब रूल है इस प्लांट को हेल्दी रखने का, सॉइल को हमेशा ड्राई रखिए। खाद की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया है कि जब आप सॉइल तैयार करते हैं तो उसमें आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा भी आप बाद में भी इसमें आप खाद ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें हर 2 महीने में एक बार इसमें वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ, जो इसके लिए काफ़ी रहता है। आप गोबर की खाद भी डाल सकते हो। अब इसकी प्रोपोगेशन की बात करते हैं। इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। आप इसके बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था ये पब्स, तो इनको आप अलग करके भी अलग अलग प्लांट्स तैयार कर सकते हो आप। लेकिन मैं इनको अलग नहीं करूँगी फ़िलहाल, मुझे इनको इसी गमले में रखना है और मैं चाहती हूँ कि ये गमला पूरा भर जाए, तब ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसके पत्तों के ज़रिए भी आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एंथूरियम का गमला है, इसमें मैंने इसका एक पत्ता ऐसे लगा दिया था, तो देखिए इसमें एक नया सा प्लांट तैयार हो गया। देखिए कितना क्यूट सा एक पौधा निकला है, और यहाँ पर भी एक नया और एक देखिए एक पब निकला है, छोटा सा, अभी अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा आपको। तो पत्तों के ज़रिए भी इसको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी है इस प्लांट के बारे में। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कुछ पूछना है इस प्लांट के बारे में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जवाब दूंगी आपकी हर सवाल की।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने प्लांट्स का खूब सारा ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी गार्डनिंग।